हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम फिर से खेल रहे हैं रशियन कार ड्राइवर यूएस हंटर। सो फ्रेंड्स, बड़ी ही लंबा सफ़र करके आए हैं मैक्स के पास में। और गाइस, आज का क्या मिशन होने वाला है, चलिए चलते हैं मैक्स के पास, करते हैं उससे बात। और गाइस, मैक्स यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं। और गाइस, आप लोगों को बता दूँ, जो भी हमारे चैनल पर नया आया हो तो प्लीज़ भाई चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं मैक्स के बिल्कुल पास। और गाइस, हम लगा देते हैं गाड़ी बाहर की तरफ और देखते हैं मैक्स हमसे क्या कह रहा है और आज का मिशन का टॉपिक किस काम पे होने वाला है। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं फटाफट से मैक्स के पास और देखते हैं क्या नीड है आज मैक्स को। सो गाइस, ये वही पेड़ है जो पहले हम गाड़ी से ख़राब हो गई थी। चलो, इसकी इसी के ऊपर मैक्स बैठा हुआ है, करते हैं इससे बात। जी भाई, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं ये बोल रहा है कि इसके 3 वर्कर हैं, अलग अलग लोकेशन पर हैं और उसको आपको लेकर आना है। कुछ बात ऐसी रही होगी जो कि वर्कर्स के आज काम पर नहीं आ पाए किसी वजह से। सो फ्रेंड्स, चलो चलकर देखते हैं कि ऐसी क्या बात रही होगी जिसके वर्कर्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जिस कारण इसने हमसे बोला है आपको उन वर्कर्स को लेके आना है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं और करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, एक छोटा सा पहले इंट्रो हो जाए। सो फ्रेंड्स, बैठ चुके हैं गाड़ी पर और हमें जाना है सबसे पहले साउथ सिटी की तरफ, जहां पर एक वर्कर्स है। उसकी क्या ऐसी रीज़न रहा होगा जिस कारण वो यहां तक नहीं आ पाया। सो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं फटाफट देसी उसके पास। और इस मिशन का नाम डीजे भी कुछ यूवी ऐसे कुछ नाम है डीजे मिशन का। सो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं फटाफट से और चलते हैं वर्कर्स के पास। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर करने वाला हूँ इस यहाँ से मतलब स्किप करने वाला हूँ और फटाफट पहुँचते हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर वो वर्कर्स है। सो गाइस, देखते हैं वर्कर्स के क्या कंडीशन है, क्यों नहीं आ पाया वो। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम साउथ सिटी की तरफ। और गाइस, हर 1 किलोमीटर के पास हमारा वो बैठा हुआ है वर्कर्स, देखते हैं और करते हैं उससे बात, क्यों नहीं आ पाया वो, क्यों लेट हो गया, क्या बात रही होगी रीज़न उसका। सो फ्रेंड्स, ये बैठा है बस स्टैंड के पास में, शायद आज इसकी बस लेट होगी, करते हैं उससे बात, देखते हैं उससे पूछते हैं वो क्यों लेट हो पाया। हाँ जी भाई, हेलो जी सर, मुझे को ओहो लेडी थी मिस्ड बाय बस। ओके, सो गाइस, इसकी बस जो है मिस हो गई थी, लेट हो गया था किसी कारण, जो कि इसको हम यहाँ लेने आए थे। सो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, इसको हमने ले लिया है क्योंकि भाई वर्कर्स रात को बेचारा काम करके लेट सोया होगा, तो सुबह लेट उठा होगा, तो भाई लेट इसकी बस मिस हो गई थी। सो फ्रेंड्स, अब हमें चलना है पेट्रोल पम्प के पास में, जहाँ पर दूसरा वर्कर्स बैठा हुआ है। सो गाइस, चलो चलते हैं दूसरे वर्कर्स के पास भी और देखते हैं। पहले का रीजन तो हमें समझ में आ गया कि उसकी बस मिस हो गई थी। सो अब देखते हैं 2 किलोमीटर की तरफ दूसरा बंदा बैठा हुआ है, उसका भी रीज़न पूछते हैं कि क्या बात है भाई, क्यों तू नहीं आ पाया। बस ज़्यादा दूरी पर नहीं, 1 किलोमीटर दूरी पर बचा है और देखते हैं। पहले का रीज़न तो आप लोग सभी लोगों को मालूम ही है और देखते हैं सेकंड को क्या दिक्कत है। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं पेट्रोल पम्प पर और ये बंदा शायद पेट्रोल पम्प के पीछे की तरफ बैठा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम उसके बगल में लेके चलते हैं गाड़ी को। 1 मिनट, यहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाएगी तो गाड़ी को हम थोड़ा सा साइड में लगा देते हैं और खुद पैदल जा के इसको बात करते हैं, इससे देखते हैं ये बंदा क्या कह रहा है और करते हैं इससे बात। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं इस बंदे के पास में, यहाँ बैठा हुआ है वर्कर्स दूसरा वाला, क्या रीज़न है इसका भाई, किससे भी करते हैं बात। हेलो। सो दोस्तों, इसका रीज़न भी हमने समझ लिया है। सो फ्रेंड, इसकी गाड़ी थी जिसके ब्रेकडाउन हो चुके ख़राब हो चुके थे। सो फ्रेंड, इसकी गाड़ी सर्विस सेंटर पे गई है तो इस कारण ये भी नहीं आ पाया टाइम पर अपने काम पर। गाइस, देखते हैं तीसरा बंदा किधर है, कहां पर है, लोकेशन मार्क मैप में देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, वो दूसरी लोकेशन की तरफ बैठा हुआ है। चलो फ्रेंड, चलते हैं उस बंदे के पास और ले आते हैं उसको और करते हैं उससे बात, देखते हैं उसका कारण क्या है, क्या नहीं है उसका कारण। सो फ्रेंड्स, मारते हैं तो फिर से शॉर्टकट। आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं
शॉर्टकट रास्ते बहुत ज़्यादा अपनाता हूँ, और मैं मतलब अपने तेल को कम खर्च करता हूँ गाड़ी के, और गाइस फटाफट देसी शॉर्टकट तरीके से जो है पहुँच जाता हूँ अपनी लोकेशन पर। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरी वीडियो अगर देखते हो तो प्लीज़ भाई, वीडियो के अंदर कोई कमी रह गई हो, किसी चीज़ की आप कोई बात रह गई हो, तो आप मेरे को वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं कहाँ गलती करता हूँ, तो मैं उस गलती को सुधारने की भाई गाइस पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों से सिर्फ ये मोटिव है कि आप प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। आपके चैनल एक सब्सक्राइब करने से, एक वीडियो लाइक करने से, सो गाइस हमें मोटिवेट मिलती है, और गाइस हम जो है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं उस लोकेशन पर जहां पर हमारा तीसरा वर्कर्स बैठा हुआ है। देखते हैं उसकी क्या कंडीशन है, क्या उसकी बेचारे की मतलब क्या कमी रह गई उसके पास जो कि वो नहीं आ पाया किसी कारण। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं लोकेशन के हम बिल्कुल करीब, अब वो हमसे ज़्यादा दूर है नहीं, और देखते हैं गाइस 2 किलोमीटर दूरी बची है और क्या कारण हो सकता है इस तीसरे वर्कर्स का जो कि यहाँ टाइम पर काम पर नहीं आया है। सो फ्रेंड, देखते हैं और मिलते हैं उससे भी, और यहीं से हम शॉर्टकट ले लें क्या। सो फ्रेंड्स, ये रहा वो बैंक जहाँ हमने लूटा था, और बैंकर, और अब ये पास में आ चुके हैं बिल्कुल ही, और शॉर्टकट लेंगे पूरा पूरा। और भाई किधर से इधर खड़ा हुआ है वर्कर्स, और देखते हैं इससे करते हैं बात। जी, ये खड़ा हुआ वर्कर्स, और ये क्या कह रहा है, 4 मैन, अच्छा टॉक टू 4 मैन, जो हमें 4 मैन से बात करनी है, ये इससे तो हम बात नहीं कर पाएंगे, ये वर्कर्स है इसके अंडर में काम करता है 4 मैन के, इससे बात करते हैं। ओ भाई, सो फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम होगा ये वही बंदा है जो वर्कर्स को मतलब ज़बरदस्ती किडनैप मतलब छोड़ता नहीं है, और आप लोगों को मालूम है कि जब हम वैसली के साथ एक बार गए थे काम पर तो इसने ऐसे ही वर्कर्स को पकड़ रखा था। तो गाइस इसको बोल रहे हैं हमसे नाइस टू मीट यू, हमसे दोबारा मिल रहे हैं, और गाइस इसको हम पेलेंगे दबा के, क्योंकि हमारे वर्कर्स को तो यू किडनैप मतलब छोड़ता नहीं है ना ये। सो फ्रेंड्स, करते हैं इसकी पिटाई चालू, और भरते हैं इसका घोसा, और डाउन कर देते हैं इसको, और फटाफट लेके चलते हैं अपने, हाँ काला मुँह कर देते रहे तो बेटे ये ले चलो। सो फ्रेंड, इसको तो हमने निपटा दिया, और अब चलते हैं अपने वर्कर्स को लेकर के अपनी लोकेशन पर। सो फ्रेंड, तीनों वर्कर हमारे गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, और फ्रेंड्स अब चलते हैं अपनी लोकेशन पर। सो दोस्तों, तीनों वर्कर्स हमारी गाड़ी में बैठ चुके हैं, और अब लेके चलते हैं उसे मैक्स के पास में, और गाइस देखते हैं कि हमें इस काम का मैक्स कितना रूबी देगा। इस गेम की करेंसी का नाम रूबी बोलते हैं गाइस, इस करेंसी जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हमें करनी है, इतनी ज़्यादा हमें करनी है कि इस गेम के जितने भी फ्लैट वगैरह हैं, जितने भी स्टोर वगैरह हैं, हमको सब खरीदने पड़ेंगे। और गाइस इस गेम को इंक्रीज करने के लिए हमें जो है शॉप से गन भी लेनी पड़ेगी, और अभी हमारे पास में मतलब वो तो है ही जिसको जिससे मछली पकड़ते हैं। और अब चलते हैं फटाफट लोकेशन पर, ज़्यादा दूर की लोकेशन हम रही नहीं है, देखते हैं मैक्स हमें कितने पैसे देता है इस काम का। सो अब सिर्फ 3 किलोमीटर बाकी है, और गाइस आप लोगों को सभी को पता चली गया है कि हमारे तीनों वर्कर्स की कंडीशन क्या थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो में तो आप पूरी बात ज़रूर बताना कि आपने पहला जो हमारा वर्कर्स था उसकी कंडीशन क्या थी, दूसरे वर्कर्स की कंडीशन क्या थी, तीसरे वर्कर्स की कंडीशन क्या थी। सो फ्रेंड्स, आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर, और भाई करते हैं इन तीनों वर्कर्स को मैक्स के हवाले। सो फ्रेंड्स, ये काम डिफ़िकल्ट होने वाला था जो कि हमने पूरा कर दिया, क्योंकि इस काम को हम ही कर पाते हैं, किसी दूसरे से काम नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर, और गाइस करते हैं पहले मैक्स से बात, क्योंकि गाइस यहाँ पर आ चुका है अपडेट तीनों के, और करते रहें मैक्स से बात। और गाइस ठीक है भाई, हमने इसके बाद